नमस्कार, सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और आज मैं हो चुकी हूँ लेट, क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी, रात को नींद ही नहीं आई थी, तो आज मैं लेट खड़ी हुई हूँ। और बच्चों को जाना है आज स्कूल, तो देखिए एक तो चला गया है बाथरूम में। और कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और क्या ये लड़का तो इतना बदमाश है कि कुछ पूछो ही मत। और आज है मेरे कुन्नू का जन्मदिन। सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलो कुन्नू से। कुन्नू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, आज तो सांप के नखरे भी नहीं मिल रहे हैं। थैंक यू कर रहा है। देखिए सही बज चुके ना 6:30 और बच्चे जाएंगे स्कूल, तो मुझे अभी बनाना है इनके लिए नाश्ता। आज रात को मुझको भी लेट नींद आई थी, क्योंकि सर्दी हो गई है, बहुत सर्दी हो गई है, नाक भी नहीं खुल रही है, क्योंकि परसों लाइट चली गई थी तो हम लोगों ने ठंडे पानी से नहाया था, तो किसी को तो नहीं, मुझे जरूर सर्दी हो गई है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तब तक मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना के उनका टिफिन पैक कर दूँ और थोड़ा बहुत घर का काम कर दूँ, फिर मिलते हैं आगे। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हो गया। हाय गाइस। देखो तुम्हारी मम्मी ने 10 रुपए दिए। अरे भाई मम्मी का कंगन किरण बहन कंगन ले आ गई है, जिसको देख 10 रुपए दिए। वाह मिला तो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं होटल कुन्नू के बर्थडे पे और इधर लंच चालू है। डोलू को सब्र ही नहीं हो रहा है कि क्या करें, खाएं या ना खाएं। वो जल्दी देखने में बिजी। कहाँ जा रहे हो? कहा इस लड़के का बर्थडे है, ये बैठा है कुकू कुकू। और बेटू और बेटू के पापा एक साइड में बैठे हैं और ये लिया बेटू ने नींबू। नींबू मत ले बेटा, मुझे सर्दी हो गई, तुझे भी हो जाएगी। और ये बैठी हैं दीदी जी, दीदी दी की दीदा जी नहीं अच्छा नहीं लग रहा है उनको। वेरी गुड। दीदी कॉफी ज़्यादा लगी, ज़्यादा लगी